परसों शाम जानी के 9 जून 2021 नूं भारत सरकार ने खरीफ 2021 यानी कि सोनी दी जिहड़ी फसलां ने उन्हां दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का ऐलान किया। यानी कि सोनी दी जिहड़ी फसलां ने खरीफ क्रॉप्स और मैं समझदा कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा निगाह टिकिया हुई सीगियां पंजाब दियां पंजाबी दियां पंजाब दे किसानां दियां इकोनोमिस्ट दियां वो झोने या पैड़ी ते टिकिया हुई सीगियां। और भारत सरकार दा जिहड़ा प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो है उहदे अंकड़िया के मुताबक ये जिहड़ी फी क्विंटल पैड़ी कॉमन आम परमल राइस जिहनूं कहिंदे ने उहदी जिहड़ी कीमत है 1868 रुपए तो वधा के उन्होंने 1940 रुपए पर क्विंटल कर दिती। यानी कि 72 रुपए पर क्विंटल का उन्होंने इजाफा दिता वाधा दिता एन इनक्रीज ऑफ ₹72 पर क्विंटल रेजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पैडी टू 1940 पर क्विंटल एंड इट हैज़ बीन क्लेम्ड इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट 50% प्रॉफिट ऑन द ओवरऑल कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हैज़ बीन गिवन। जिन्हों पंजाबी कही है कि जिन्ना थोड़ा पर क्विंटल खर्चा आता है वो सारे खर्चे पा के इस प्रेस नोट के जिहड़ा कि भारत सरकार ने जारी किया ये क्लेम किया गया कि 50% तुहानूं उस ते मार्जन या मुनाफा दिता गया है। अज तो तकरीबन 5-6 महीने पहला दसंबर के महीने के भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड की सीगी और उस दे विच अंकड़े दे के मैक्रो अंकड़े दे के सारी इकोनमी दे पंजाब दे अंकड़े दे के ते फिर उस तो बाद पर क्विंटल दे हिसाब नाल एक मोटे तौर ते एक कैलकुलेशन की सी जिहदा सिट्टा ये निकलिया सीगा कि तकरीबन 30,000 रुपए पर किला पंजाब दे किसान नूं कणक चो बचदा है ते तकरीबन 30,000 रुपए किला जिहड़ा हैगा वह बचदा हैगा झोने चो। लेकिन उस दे विच ये मैं साफ किया सीगा कि इस दे विच जिहड़ा ठेका या जकोता है वह विच नहीं पाया गया ते जिहड़े दीगर खर्चे ने ब्याज वगैरह दे वो नहीं पाए गए। सो 30,000 रुपए पर एकड़ मेरा एस्टीमेट उदों सी अनुमान सी जदों मैं ये कैलकुलेशन की और अज जदों ये फिगर आई सामने और मेरा जी किया कि देखिए कि ये सरकारी जिहड़ियां फिगरां ने उहदे मुताबक की पंजाब दे किसान नूं झोने दे विचों किन्ना बचता है। मेरा एस्टीमेट तो 30,000 रुपए पर किला सी उहदे विच ऑफ कोर्स जिदा मैं कहा कि कई चीज़ां मैं खर्चे नहीं सी पाए वो जे खर्चे पाओ होर घट जाते हैं तो हुण ये जिहड़ा आपां कहने हैं कि सारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सारी पैडी नूं उगाण दे खर्चे पा के उदे उपर अगर 50% प्रॉफिट मार्जिन मुनाफे का मार्जिन भारत सरकार ने पंजाब के किसान नूं दिता है तो आखिरकार फी एकड़ फी क्विंटल पंजाब के किसान नूं बचत है किन्नी मुनाफा है किन्ना ये अज जिहड़ी छोटी जी वीडियो है उस दे नाल संबंधित है तो थोड़े नाल आपां 5-7 मिनटां दी ही गल करांगे। पिछली वीडियो का हवाला इस वीडियो के बाद दे विच भी है पहला भी आया है वो तुसी देख सकते हो ताकि तुहानू थोड़ा जिहा बैकग्राउंड समझ आ जाए। लेकिन अज दी वीडियो सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा ऑफिशियल प्रेस नोट आया है और उस दे विच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया स्टेट किया ये उस ते मुनसर उस ते डिपेंडेंट आपां सारी ये 5-7 मिनट की गल थोड़े नाल करां। दोस्तों ये भारत सरकार दे प्रेस नोट दे विच ये कहा गया है कि पैड़ी झोने की काश्त वास्ते फी क्विंटल जिहड़ा खर्चा है वह 1293 रुपए है। सो 1293 रुपए जे है तो 50% तुसी उस ते मार्जन दिता तो तुसी ये समझो
के 646 रुपए 50 पैसे मन के चलो कि 650 रुपया पर क्विंटल थानू उस दे विच बचत हो रही है। और मैं जिहड़ियां पिछली वीडियो दे विच भी फिगरां लाईयां सी वो मैं 26 क्विंटल पर किला पर एकड़ दी मैं झाड़ मन के चलिया सी। उसे नू मनदे आ वैसे तो हुण इह जापदा है कि ये 23-24 क्विंटल तो वध नहीं है पर किला जिहड़ी शायद पैड़ी बाहरों पंजाब दे आउंदी सी वह पंजाब दे फिगरां दे विच रिफलैक्ट हुंदी सीगी। पर उहनूं गल नूं छड्डो जिहनूं कहिंदे ने कि लैट अस कंपेयर लाइक एंड लाइक। सो अगर ये जिहड़ी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उस ते 50% प्रॉफिट 646 रुपए जां 650 रुपए पर क्विंटल है उहनूं तुसीं गुणा कर लो 26 क्विंटल दे नाल और पर एकड़ जिहड़ा आउंदा है वो 16,809 रुपए भारत सरकार दीआं फिगरां दे मुताबक। तो जिहड़ा झाड़ है औसत झाड़ जरूरत नालों वध मन्नदे होए। सो इस करके जिहड़ा मुनाफा पर किला एवरेज तौर ते पंजाब दे किसान नूं झोने दी काश्त चों आउंदा है वो परसों शाम दे सरकारी भारत सरकार दे प्रेस नोट दे मुताबक 16,809 रुपए फी किला है। तो मैं लाया सीगा जी 30,000। लेकिन ये आपां हुण देखिए जिहड़ी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दे विच भारत सरकार ने कहा है कि सारे ही खर्चे उस दे विच शामिल ने और उहदे उपर आपां ये 50% जिहड़ा हैगा वो प्रॉफिट दे रहे हैं। और उस प्रेस नोट दे विच मैं ये तारीफ करनी पवेगी ट्रांसपेरेंसी की कि उन्होंने बकायदा दिता है कि खर्चों दे विच की कुछ पाया हैगा वो खर्चे भी की पाए ने आपां एक मिनट च मैं थोनू पढ़ के सुना दाँगा अंग्रेजी दे विच ने ते उहदा नाल दी नाल तर्जमा पंजाबी दे विच भी हो जाएगा। कोशिश मेरी यही है कि उहदा स्क्रीनशॉट अगर वीडियो दे विच शामिल हो जाता है वो तुसीं देख सको वीडियो नूं पॉज़ करके तुसीं चंगी तरह उहनूं पढ़ भी सकते हो। सो ये हुण आपां देखिए कि जिहड़े खर्चे ने जिहड़े उन्होंने कहा है कि 1,293 रुपया पर क्विंटल दे हिसाब नाल जीरी दी कास्ट दा ऑल इनक्लूसिव खर्चा है उहदे विच की कुछ पाया गया है और की ऐसा कोई आइटम है जिहड़ा शायद रह गया होवे ये हुण आपां चल के अगे देखते हैं। सो दोस्तों ये जिहड़ी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भारत सरकार ने पाई है उस दे विच किहड़े किहड़े खर्चे शामिल ने उस प्रेस नोट के मुताबक वह इदा ने कहिंदे ने जी कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट विच इनकलूड्स ऑल पेड ऑन कॉस्ट सच एज दोज अनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हायर्ड ह्यूमन लेबर तुसीं पहिए लाए दिहाड़ीदार लाए सांझी रलिया वो अगे कहिंदे ने बुलक लेबर मशीन मतलब कोई हल जोत्या हल तुसीं बलदां दे नाल कोई इस तरह की मशीन लाई मशीन लेबर रेंट पेड फॉर लीज लैंड इत्थे कहिंदे ने असीं चकोता भी पा लिया अगर ठेके ते जमीन लिती है वह भी असीं विच शामिल कर लिया। एक्सपेंसिज इनकर्ड ऑन यूज ऑफ मटीरियल इनपुट्स लाइक सीड्स बीज फर्टिलाइजर मेन्योर इरीगेशन चार्जिज डेप्रीसीएशन ऑन इंप्लीमेंट एंड फार्म बिल्डिंग्स वो कहिंदे ने भी जिहड़ा थोड़े कोई हल ने होर ने मशीनरी आ उस ते डेप्रीसीएशन वह भी पा ली अगर कोई आबियाना दिने हो तुसीं वो भी असी पा लिया ते खाद है चाहे देसी है चाहे कैमिकल फर्टिलाइजर है बीज वो सारे खर्चे पा ले। इंट्रस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल तुसीं अगर सोसाइटी तो या बैंक तो ब्याज लिता है वर्किंग कैपिटल क्रॉप लोन है वो पा लिया। डीजल फॉर ऑपरेशन ऑफ पंप सैट्स एंड इलैक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन ऑफ पंप सैट्स वो पा लिया। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसिस एंड इनपुटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर मतलब वो कह रहे हैं कि डीजल का खर्चा भी असी जनाब पा लिया असी बिजली का भी पा लिया अगर कोई पंप लाया वो डेप्रीसीएशन है वो खर्चा भी असी पा लिया। तो उस तो अलावा जिहड़ा थोड़ा फैमिली लेबर तुसीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हो भी पा लिया। इस करके हुण रह कुछ नहीं गया थोनू सारे खर्चे जिहड़े सीगे और चकोता तो ठेका भी असी पा लिया
तो 1293 रुपए पर क्विंटल के हिसाब नाल उन्होंने लाया है कि यह खर्चा आता है। सो ए जापदा कि उन्होंने तकरीबन सारे दे सारे खर्चे पा ले ने। लेकिन थोड़ा जा जे डुकाई दे विच देखिए तां इह सवाल जहन दे विच जरूर आउंदे ने कि भी आ जिहड़े खर्चे ने इह विच पाए ने कि नहीं। जे नहीं पाए तां फिर वह जो पावांगे तां कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होर वध जूगी, ते जे वह कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वधूगी तो भारत सरकार खुद कह रही है कि 50% प्रॉफिट मार्जिन देना, तो शायद MSP भी उस मकदार उस अनुपात उस रेशियो प्रपोर्शन नाल वधाउण की मंग करनी जायज़ होए। हुण पहला पॉइंट उन्होंने कहता कि जिहड़ी इनपुटेड फैमिली लेबर है, हुण एक हैड ऑफ फैमिली कास्ट करता है उन्हूं एक मैनुअल अनस्किल्ड लेबर के मुताबिक वैल्यू किया गया, जिहड़ी मेरी समझ है कि स्वामीनाथन कमेटी के भी यही कहा गया सी। लेकिन वो एक कल्ले दिहाड़ीदार तो वध कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो चतो पहर लग्या रहिंदा है, उहदी मैनेजीरियल चीज़ भी है, उन्हें हड़ भी पाउणा है, उन्हें ट्रैक्टर भी चलाना है, उन्हें बिजली भी बंद करनी है, उन्हें जाके ट्रैक्टर राही मार्केटिंग भी करनी है। इस करके पहली गल तो जिहड़ी फैमिली लेबर है, हैड ऑफ द फैमिली की घट्टो घट जिहड़ी इनपुट है उन्हों मेरे अनुसार मैनुअल अनस्किल्ड लेबर तो ना रख के मैनेजीरियल लेबर तसवर किया जाना चाहिए। घट्टो घट वो डूढ़ी या पौने दो गुणा जिहड़ी हैगी है वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपां नूं मननी चाहिए हैगी है। उस तो बाद जिवें पंजाब च आपां कहिंदे कि जिन्हां दे कोले मोटर दे कनैक्शन ने उन्हां नूं फ्री इलैक्ट्रिसिटी है, पंजाब कल्ला स्टेट ही नहीं है, शायद आंध्रा वगैरह च होरां च भी है। ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਬੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਦ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੀ ਕਿੱਲਾ ਅਗਰ 16,809 ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ 26 ਕੁਇੰਟਲ ਫੀ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝਾੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 11,000-12,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਨੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਏਕੜ ਲਵਾਈ ਆ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਐਗਰੋਕਲਾਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਚ ਕਰੋਪ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ 4 ਵਾਲਾ 10 ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆਈ ਚਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ SUV ਲੈ ਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, MSP ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ MSP ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਬਾਏ 50%। ਉਹ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।